हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर्या क्लास में। और आज हम आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो अंतर होते हैं वो आज समझा जा रहे हैं, क्योंकि ये मोशन का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है जो क्लास नाइन्थ का है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा ट्यूशन आते हैं और हमेशा आते ही आते हैं, ये नहीं कि ये ट्यूशन नहीं आ सकता एग्जाम। तो देखिए आज हम आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अंतर सिखाते हैं। पहला, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, यही बताएंगे। और डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन। इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन क्या है? मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए है, ठीक है, और ये बी है। तो जो ए है ये क्या हो गया? कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से ट्रैवल कर रहा है बी तक, तो ये जो ए हो गया ये इसके लिए इनिशियल पोजीशन हो गया, और जो बी हो गया वो इसके लिए फाइनल पोजीशन हो गया। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटी दूरी तय की जाती है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और जो पूरी दूरी तय की जाती है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में उसको डिस्टेंस कहते हैं। देखिए उसी को इस डायग्राम से समझिए, ये बंदा है ये अपने घर जा रहा, ये घर जा रहा, तो ये पूरा ऐसे ये तो एक पाथ है जिस पर ये चल रहा, और ये टोटल यानी पूरी पाथ पे चल के अपने घर जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये इसको जाने में समय लग रहा कि नहीं? बहुत समय लग रहा, क्योंकि ये पूरी दूरी कोई भी इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन के बीच में जब पूरी दूरी तय की जाती है तो उसको डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन वहीं अगर बनना शॉर्ट तक लेकर यहाँ से एकदम डायरेक्ट यहाँ आ जा रहा है तो क्या कर रहा है? ये छोटी दूरी तय कर रहा है इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन। इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन सेम है, लेकिन फिर क्या कर रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट यानी ये छोटी दूरी तय कर रहा है। जब ये छोटी दूरी तय कर रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, ठीक है, इतना समझ में आया। तो इसका दूसरा समझते हैं कि दूसरा डिफरेंस इसमें क्या होता है। इट फॉलो अ स्केलर क्वांटिटी मीन्स इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इट फॉलो वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए डिस्टेंस है जो एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मोशन में सिर्फ दो तरह की क्वांटिटी दी गई है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी का बहुत सारे एग्जांपल और भी होता है, जैसे स्पीड होता है, मास होता है, वेट होता है, यह सब होता है, ठीक है। तो देखिए ये कह रहा कि वो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, और इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? वैल्यू होता है। जैसे कि अगर कोई बंदा वो 50 kg का, ठीक है, 50 kg का, तो ये क्या हो गया? ये मतलब ये स्केलर क्वांटिटी में आ गया। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? इसके में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आता है, ठीक है। और ये देखिए यही इसमें डिफरेंस है, डायरेक्शन का डिफरेंस है। जो डिस्टेंस उसमें डायरेक्शन नहीं आ सकता, यानी स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं आ सकता। कैसे? अगर किसी का वेट अगर 50 kg, इसी पर समझिए, तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि उसका जो वजन है वो 50 kg इन द नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा में, उसका जो कोई गाड़ी चल रही है 50 kg से इन नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन, हम लोग डायरेक्शन यूज नहीं कर सकते हैं डिस्टेंस में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन यूज होता है, ठीक है, ये समझ में आया। तीसरा देखिए इसमें तीसरा डिफरेंस क्या है? ये आप चाहें तो इसको दो डिफरेंस कर सकते हैं, इट फॉलो स्केलर क्वांटिटी, और फिर इसके मीन्स हटा के यहाँ से एक और क्वांटिटी बना सकते हैं, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। देखिए तीसरा, इट कैन बी पॉजिटिव ऑलवेज, ये सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, और इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जो डिस्टेंस है वो सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, और जो डिस्प्लेसमेंट वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सब हो सकता है। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए कोई बंदा हो ए से बी तक चल रहा है, ठीक है, तो ए से ये बी तक मान लीजिए 3 kilometer चला, और फिर बी से आया तो ये फिर 3 kilometer चला, तो ये कितना? ये 6 kilometer चला, यानी कि ये सिर्फ हमेशा पॉजिटिव में चलेगा, ये नहीं कि ये बी से ए आया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नहीं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर ए से बी तक गया, ठीक है, बी तक गया, ये पॉजिटिव हो सकता है। अगर ए से बी तक गया, मान लेगा यहाँ पे देखिए समझाते हैं, ए से बी तक गया तो ये पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ये नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। देखिए कैसे, अगर कोई वो ऑब्जेक्ट है वो अगर सर्कुलर पाथ पे चला तो डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो सकता है। जैसे देखिए ए से चला और ए पे आके वो अपना जो ट्रैवल कर रहा हो यहाँ पे खत्म करता,
ये क्या कर रहा है, ये पूरा एक साल किलो गया। अभी जहाँ से वो शुरुआत, इनिशियल पोजीशन भी इसका सेम है और फाइनल पोजीशन भी इसका सेम है, तब ये क्या हो सकता है? जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाते हैं तो उस समय डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। मान लो ए से ये चालू किया था चलना और ए से थोड़ा सा यहाँ पर ना खत्म करके यहाँ पर फिर से आकर रुक जाता तो यहाँ पर आया तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव में जा रहा, यहाँ से शुरू किया था यहाँ तक आया तो ये तो जीरो हो ही गया लेकिन इससे और आगे बढ़ गया तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यानी कि क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा समझ में आया कि इसका चौथा यूनिट हो सकता है, इस ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, ठीक है। ऐसा यूनिट जो डिस्टेंस का होता है वो मीटर होता है। इसमें तो कोई उतना समझाने की बात नहीं क्योंकि हम लोग बात नहीं सिखा रहे। और जो ऐसा यूनिट डिस्प्लेसमेंट का होता है वो भी मीटर ही होता है, ठीक है। और देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, ठीक है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है, कब इक्वल हो सकता है? अगर देखिए ए और बी के बीच में, ए से बी जाने के लिए सिर्फ एक, अगर सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट पाथ हो, यानी कि वो ना इधर मुड़ा ना उधर मुड़ा, जब स्ट्रेट पाथ हो तो उसका डिस्टेंस भी इक्वल होगा और डिस्प्लेसमेंट भी, क्योंकि यही एक सिंगल पाथ ही है तो इसी पे वो चलेगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है जब कोई ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन पे चलेगा तब। तो ठीक है, अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा तो आर्या क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।